हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में, जहां पर जीके जीएस सीखना हुआ और भी आसान। तो मजेदार ट्रिक के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं जीके के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ट्रिक है आज का आपका पापा काम पे सोते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। पापा से है पायरिया, का से है काला ज्वर, म से मलेरिया, पे से है पेचिस, सोते हैं से सोने की बीमारी। यहाँ पांच बीमारी ऐसी है जो कि प्रोटोजोआ से फैलने वाली है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं इसी तरह ट्रिक के माध्यम से जीके जीएस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं और दूसरा प्रश्न इसका क्या है। दूसरा प्रश्न है विटामिन ए बी सी डी ई और के रासायनिक नाम। विटामिन ए बी सी डी ई और के रासायनिक नाम ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ट्रिक है इसका एक रथ टॉफी। इसी ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए से है रेटिनॉल विटामिन, विटामिन बी से है थायमिन विटामिन, और विटामिन सी से है एस्कार्बिक अम्ल विटामिन, और विटामिन डी से है कैल्सिफेरॉल विटामिन, विटामिन ए से है टोकोफेरॉल विटामिन, और विटामिन के से है फिलिक्लोनोन विटामिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है फफूंद द्वारा फैलने वाले रोग। ट्रिक के माध्यम से हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो ट्रिक है इसका गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसी ट्रिक के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। गंजा से है गंजापन, दमा से है दमा, द से है दाद, खा से खुजली, ए से है एथलीट फ्रूट। यहाँ पांच बीमारियां ऐसी हैं जो कि फफूंद से फैलने वाली हैं। तो इस तरह मजेदार ट्रिक के साथ हम आपको जीएस के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताए हैं। तो इसी तरह यदि आप जीके जीएस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।